ये वीडियो कोरोना वायरस के बारे में नहीं है। वेल टू बी ऑनेस्ट, हम इस पेंडेमिक के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि आजकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। बट मोस्टली हम डिस्कस करेंगे कि इस पेंडेमिक का मुस्तकबिल क्या है, एंड मोर स्पेसिफिकली हम एक नई टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करेंगे जो न सिर्फ इस बल्कि फ्यूचर के पेंडेमिक्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगी। आई अश्योर यू कि ये वीडियो कोरोना वायरस के बारे में नहीं है, एंड आई वुडन्ट लाई, नो वुड आई, राइट? आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारी कोरोना वायरस और COVID-19 पे कवरेज नहीं देखी, देन आई रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि उस वीडियो में हमने कई बातों को कवर किया है जिस पे अब हम मजीद बिल्ड करेंगे। लिंक इन द कार्ड एंड इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग कि हम कैसे इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं एंड नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल COVID-19 की मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या ये मुमकिन है? वेल, one person might think so. Hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug, and it's shown very, very encouraging early results. ये थे President of United States, Donald Trump, recommending hydroxychloroquine as a possible treatment for COVID-19. Hydroxychloroquine is the medicine that is used to treat malaria. इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जिंक के साथ इस्तेमाल को रिकमेंड किया है। सो क्या ये काम करती है? नहीं, तकरीबन सब एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि देयर इज नो एविडेंस दैट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन COVID-19 के ट्रीटमेंट में मदद करती है। जितनी भी रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं एनेक्डोटल हैं। इनफैक्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का गलत इस्तेमाल सीरियस साइड इफेक्ट की वजह बन सकता है, विच इंक्लूड कार्डियक अरेस्ट एंड इवन डेथ। COVID-19 की मेडिकल ट्रीटमेंट की पाकिस्तान की मीडिया में भी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। बट गाइस, रिमेंबर, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट पेंडेमिक्स में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। इवन इफ के कोई ट्रीटमेंट प्लान आ जाए जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये स्टिल हल नहीं है। यस, बहुत सी जिंदगियाँ बचेंगी, एंड यस, ये कुछ ना होने से बहुत बेहतर है। बट डू कंसीडर कि वन, एंटीवायरल्स एंटीबायोटिक की तरह नहीं होते, हम वायरसेस को मार नहीं सकते। टू, किसी भी वायरल ट्रीटमेंट में बीमारी का दोबारा आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थ्री, एंड एंटीवायरल्स एक्सपेंसिव होते हैं एंड हर किसी की पहुंच में नहीं होते। ऑन टॉप ऑफ दैट, असल प्रॉब्लम जो कि इन्फेक्शन को पॉपुलेशन में फैलना है, हल नहीं हो रहा। लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे एंड हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन रहेंगे। दैट वुडंट गो अवे। हमारी पहली तरजीह ये है कि पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हमारी बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीनेशन। ये आइडियल सॉल्यूशन है। वैक्सीनेशन के जरिए लोगों में वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है। इन्फेक्ट होने के बाद लोग जल्दी इन्फेक्शन को जिस्म से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए तो पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। गुड न्यूज इज, वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट में काफ़ी सक्सेस हुई है, मोस्ट नोटेबली इन अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, वेयर दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड अ पॉसिबल वैक्सीन इन मंकीज। आई बिलीव कि हम बहुत करीब हैं एक इफेक्टिव वैक्सीन की डेवलपमेंट में, बट दिस विल स्टिल टेक मंथ्स टू बी अवेलेबल फॉर वाइडर पब्लिक। सबसे इंकरेजिंग एस्टिमेट प्रिडिक्ट कि 22 सितंबर, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक एटलीस्ट अ ईयर। That's not very promising. मैंने ये कहा था कि ये वीडियो कोरोना वायरस के बारे में नहीं है, बट अब तक मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। Let's change pace. Let's talk about the third promising route जिससे हम इस पेंडेमिक से निकल सकते हैं, जीन एडिटिंग, मोर स्पेसिफिकली CRISPR. That's what today's story is about. Recently, US Food and Drug Administration या FDA ने COVID-19 के नए टेस्ट को ऑथराइज किया है, जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर के इस्तेमाल से तकरीबन एक घंटे के अंदर रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके बरअक्स करंट PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट
एट बेस्ट 7 आवर्स में रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये जुमला आपको जिब्रिश लगे तो हैंग ऑन, मुझे एक्सप्लेन करने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस्पर और जीन एडिटिंग है क्या? सेकेंडली, अचानक टेस्ट कहाँ से बीच में आ गए? Weren't we just talking about infection control? तो इन सवालों के जवाब देते हैं। जीन एडिटिंग इज बेसिकली चेंजिंग द DNA ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। गाइस, मैं शायद कभी ये पॉइंट अक्रॉस ना कर सकूं कि ये कितना अमेजिंग है, बट लेट मी ट्राई। टेक फॉर एग्जांपल मलेरिया, बिकॉज मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है। वी हैव सक्सेसफुली एडिटेड DNA ऑफ मॉस्किटोज सो दैट वो मलेरिया ना फैला सके। देयर आर स्कीमेटिक्स कि कैसे इन नए मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को आम मॉस्किटोज में फैलाया जाए सो दैट मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटोज खत्म हो जाए। सिर्फ यही नहीं, वी कैन टेक इट फर्दर। हम मॉस्किटोज से फैलने वाली तमाम बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगी, सिका एंड सो मेनी अदर्स को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं, और ये जीन एडिटिंग के सिर्फ एक पॉसिबल रिजल्ट है। वंस अगेन, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है एंड इस पे कंप्लीट बात करने के लिए वी नीड अ डेडिकेटेड वीडियो, बट फॉर नाउ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाय जीन एडिटिंग हम अनबिलीवेबल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इम्यून सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं कि कैंसर के सेल्स को बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई करें और ख़त्म करें, और इस तरह वी कैन एंड कैंसर वंस एंड फॉर ऑल। हम फेल्ड ऑर्गन्स को रिमूव करके बॉडी के अंदर न्यू ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं। वी कैन मेक आवर सेल्स इम्यून टू ओबेसिटी, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके मोटापे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज विद इन द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन जीन एडिटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, एक्चुअली थी, और टाइम कंज्यूमिंग है, सॉरी थी। It is also very inaccurate. Again, thi, and that's where CRISPR comes in. Remember, I talked about tarikh ki sabse badi jang. Tab maine baat ki thi viruses aur bacteria ke darmiyan ek war ki. And I said, bacteria on the other hand have developed strong immunity responses to viruses and have mutated to basically kill them on sight. And this is the biggest war in the history. The way bacteria do this is also how we fight infections. हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने में सबसे बड़ी दुश्वारी होती है जरासीम को पहचानने में। थिंक अबाउट इट, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की आंखें नहीं होती, तो वो कैसे पहचानते हैं कि जिस्म का सेल है या फिर एक जर्म? लाइक आई सेड, मैं प्रोबेबली इम्यून सिस्टम पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। हर इन्फेक्शन के नतीजे में आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं एंड इट इज दीज एंटीबॉडीज तो जैसीम को पहचानने में आपकी इम्यून सिस्टम की हेल्प करती हैं। फन फैक्ट, मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं विच हेल्प आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। एनीवे, जब वायरस बैक्टीरिया पे हमला करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे किल द बैक्टीरिया, लेकिन जब कोई बैक्टीरिया बच जाता है तो वो अपने DNA में उस वायरस के RNA की कॉपी को महफूज कर देता है, और उस कॉपी का नाम है CRISPR। फिर अगर वायरस दोबारा अटैक करे तो बैक्टीरिया उसे फौरन पहचान के एक प्रोटीन बनाता है जिसे Cas9 कहते हैं। ये प्रोटीन बैक्टीरिया के DNA को स्कैन करती है और उसमें से वायरस के इंजेक्टेड RNA को डिटेक्ट करके ख़त्म कर देती है। इस तरह बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। ये प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एंटीवायरसेस के बहुत सिमिलर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि Cas9 बहुत प्रिसाइज है। इट इज़ अ नेचुरल जीन एडिटर जो एक सर्जन की तरह DNA में से एक्जैक्टली वो चीज़ चेंज करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया जाए। अब हम इस अमेजिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। Even you can do it. आप ऑनलाइन CRISPR की किट को परचेज कर सकते हैं एंड इट इज़ नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, अराउंड $170 फॉर अ बेसिक किट। आई हैव शेयर्ड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करना चाहें। सो हाउ डज दिस हेल्प? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे FDA जीन एडिटिंग थेरेपी के जरिए कैंसर के ट्रीटमेंट के ट्रायल्स को अप्रूव कर चुका है। ऑलरेडी माइस में HIV से कम्प्लीट इम्यूनिटी एंड ट्रीटमेंट की जा चुकी है। देर आर ऑल्सो जेनेटिक डिजीजेज लाइक कलर एंड नाइट ब्लाइंडनेस, हंटिंगटन्स, हेमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। इनमें से ज़्यादातर डेडली हैं एंड देयर कॉज इज अ सिंगल इनकरेक्ट जीन इन द DNA। वट अबाउट पेंडेमिक्स? बिलीव इट और नॉट, 12 नेशंस में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हॉस्पिटल्स में वायरल एंड बैक्टीरियल जीनोम की रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है। प्रॉपर मालूमात के साथ मुमकिन है कि जीन एडिटिंग के जरिए वैक्सीन डेवलपमेंट का पीरियड सालों से कम करके हफ्तों में ले आया जाए। पेंडेमिक्स में टाइम क्रिटिकल होता है। जितनी जल्दी कंटेनमेंट की प्रोसेस की इब्तदा की जाए, इतनी जल्दी पेंडेमिक को कंट्रोल करने में आसानी होती है। सो लेट्स बी होपफुल। ये पेंडेमिक हमारे असलहे को और मजबूत कर रहा है।
ताकि मुस्तकबिल में हम ऐसी सूरत हाल से बेहतर निपट सकें। अगर ये पेंडेमिक आज से 100 साल पहले आया होता तो कैन यू इमेजिन कितनी तबाही होती। सम ऑफ यू माइट से कि स्पेनिश फ्लू भी तो आया था, बट स्पेनिश फ्लू के एंड की वजह ये थी कि इट वॉज किलिंग पीपल फास्टर देन इट वॉज इन्फेक्टिंग देम। कोरोना वायरस इज डिफरेंट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है। 14 दिनों तक ये जरासीम पेशेंट के जिस्म के अंदर होता है लेकिन कोई सिम्टम्स शो नहीं करता, और 14 डेज तक पेशेंट दूसरों को इन्फेक्ट करता रहता है, इसलिए ये इतना ख़तरनाक है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड वाले जरासीम इतने आम नहीं हैं, और अगर हैं तो यूजली उनके फैलने का जरिया स्लो होता है, लाइक हेपेटाइटिस। द ओनली रीज़न कि हम इस पेंडेमिक को स्लो किए हुए हैं इज बिकॉज कि वी हैव टेकन प्रिकॉशंस, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड अदर सेफ्टी मेजर्स विच आर वर्किंग। सो प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच, यू आर ऑसम। प्लीज़ हेल्प स्प्रेड द वर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब, यू हैव टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। कमेंट में बताएं कि आप क्या कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। खुश रहिए और दूसरों की खुशी की वजह बनिए। अल्लाह हाफिज़। वेट, लाइक हमने कोरोना वायरस के बारे में ही ज़्यादातर बात की है। आई थॉट कि ये वीडियो कोरोना वायरस के बारे में नहीं थी। वेल, लिव एंड लर्न। सॉरी।